हाय, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक न्यू जॉब अपडेट को लेकर, जो कि यूपीएससी की तरफ से सीडीएस 2023 की सेकेंड नंबर की वैकेंसी निकल के आ रही है। तो अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हो ऑन अ हायर रैंक लाइक लेफ्टिनेंट, तो आपके लिए इससे बड़ी ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी और कोई हो ही नहीं सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है वो आपका मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहने वाला है और ये आपकी ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको एक नेक्स्ट लेवल की सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए हम लोग इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप अभी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट हम बात करेंगे इसके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स की, जो कि आपकी 17 मई रहने वाली है स्टार्टिंग डेट फॉर्म अप्लाई करने की, और आपका लास्ट डेट जो होने वाला है वो आपका 6 जून 2023 रहेगा। पर आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। लास्ट में सर्वर इशू की वजह से बहुत परेशानी आ जाती है फॉर्म अप्लाई करने में, तो जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को भर दें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट इस वैकेंसी की रहने वाली है आपकी 3 सितंबर 2023। आप इसे एक रिमाइंडर अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का डेट होने वाला है। प्री एग्ज़ाम की जो आपकी डेट है वो आपका 3 सितंबर रहेगा। सो अभी से आप फॉर्म अप्लाई करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर दो, अपना रिविज़न भी स्टार्ट कर दो, ताकि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाओ। सो अगर मैं इस एप्लीकेशन की फ़ी की बात करूं, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 200 रुपीज़ चार्ज लगने वाला है। वही अगर मैं एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट की बात करूं, तो उन्हें कोई फ़ी नहीं लगने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। इसके लिए जो आपका मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 25 ईयर्स होना चाहिए। फॉर्म को अप्लाई करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट है, जिनका इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, पार्ट थर्ड का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं वो सभी बच्चे, और जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है वो सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो अब हम बात करेंगे पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी के थ्रू आपको लेफ्टिनेंट के पोस्ट से ज्वाइनिंग मिलती है। इसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 349 आई है। तो चलिए अब हम लोग पोस्ट वाइज वैकेंसी को डिस्कस करते हैं। आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 100 रहने वाला है। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 32 रहने वाला है। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी 32 रहेगा। वही अगर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करूँ, तो उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 69 पोस्ट रहेगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर आपका 16 रहेगा। तो ओवरऑल वैकेंसी 349 रहेगी आपकी। अगर इस पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए, तो बस आपको 2 स्टेज ऑफ एग्ज़ाम का आपको कंडक्ट कराया जाता है। फर्स्ट आपका OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जो कि ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है, फिर उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट में नाम निकलता है। अगर इस एग्ज़ाम की बात करूँ, तो ये ऑल ओवर इंडिया में एक ही दिन UPSC के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, वो भी ऑफलाइन। आपको OMR बेस्ड पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम देना होता है। इसका जो इस जॉब की मैं प्रोफाइल की बात करूं, तो आपकी ज्वाइनिंग लेफ्टिनेंट से होती है, आगे आपका कर्नल, फ्लाइंग ऑफिसर्स, बहुत सारे प्रमोशन आपको दिए जाते हैं। इन हैंड सैलरी की अगर बात की जाए, तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 61,000 से आपका स्टार्टअप होता है, और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होते जाता है आपका सैलरी 2 लाख एंड अबव भी जा सकता है। अगर जॉब लोकेशन की बात करूँ, तो ये आपका ऑल ओवर इंडिया में रहता है।
सो ये आपकी बेसिक डिटेल है यूपीएससी सीडीएस की वैकेंसी 2023 के लिए। अगर आपको इसमें समझने में कुछ भी दिक्कत आए, कोई इशू लगे, तो आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में आप आकर के बता सकते हो, तो मैं आपको आगे की डिटेल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता दूंगी। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और स्टे ट्यून्स। मिलती हूँ फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।